हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे तो एमपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। हम अपने अनुसार और कुछ इंटरनेट के माध्यम से और एमपी बोर्ड के वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड किए हैं और कुछ अपने तरीके से बनाए हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदी का मॉडल पेपर, समझ में ना बच्चे लोगों, हिंदी का 12वीं का। देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। आप मॉडल पेपर के माध्यम से आप अपनी 12th की पेपर का एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसमें सही विकल्प जिसे हम बोलते हैं MCQ, पहला देखिए, पहला है इसमें प्रश्न क्रमांक है, ये सही विकल्प चुनकर लिखे हैं। इसमें लिखा है भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। पहला है राम, कृष्णा, हनुमान, लक्ष्मी। आप देख सकते हैं, आपको जो सही लगे आप उसको टिक लगा सकते हैं। और फिर है ऑब्जेक्टिव, है देख सकते हैं आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या कैसे कैसे हैं। चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है, आप इस PDF को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे हम। और दूसरा है सिल्वर अपेडिंग अभिप्राय क्या है, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती, कंस जयंती। और फिर तीसरा है, चौथा मतलब विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे भारत की अवस्थाएं क्या है, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत का स्थान है साइंटिस्ट में वो कौन से स्तर पर है, 3, 4, 3, 5, 7। पांचवा है विभवानुभव विचारी संयुक्त रस निष्पाती, यह परिभाषा है, अचार विश्वनाथ, अचार भरत मुनि, अचार भामा, अचार मम्मट। और लास्ट है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ, खीर खाना, मीठी खीर, सरल क्या कठिन कार, आप कर सकते हैं। अब इसमें खाली स्थान होता है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको PDF मॉडल के अनुसार आपको दिखाया जा रहा है, ये नीट आता है, आप इसको अच्छे देख लेना, मॉडल पेपर है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना नोट करके, ये सही जोड़ी होता है इसमें। मीन फिर एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर है राजभाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कविता का पहला उपकरण क्या है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। चौथा है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूता के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है। पांचवा है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। छठा है राजा ने लुटन से क्या कहा। सातवां है महाकाव्य किन राशियों की प्रधानता है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फिर पांचवा प्रश्न है सत असत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, पहला है, और दूसरा है शब्द शक्ति चार प्रकार की होती है, और तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है लेखन का आशा यांत्रिक हस्त कौशल होता है, आपको सत असत्य का चयन करना है। फिर हम आएंगे नीचे, ये और बचे हैं पाठ, रुबिया का गजल में कवि ने स्वयं को देश का नेचोवर दिया है। सातवां है मेरी कल्पना का आदर समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये आपका सत असत हुआ। फिर आते हैं आपके दो दो नंबर के प्रश्न क्रमांक, जो क्या बोलते हैं लघु उत्तरी लघु बोलते हैं इसको। पहला है प्रश्न क्रमांक सातवां, इसमें आपको अत्तर भी दिया जाएगा, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, पहला क्वेश्चन है। अगर आपसे ये नहीं बनता तो आपको दूसरा, अथवा है चेंजिंग भाव से क्या अभिप्राय है, ये होगा मतलब दोनों का। अब सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न इसमें है, एक मिनट थोड़ा, सातवां प्रश्न है बच्चे किस बात की आशा नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये होगा सातवां क्वेश्चन। उसका आठवां है रचना के संदर्भ में अधर और बीज बीज क्या है, ये हो गया सातवां और उसका आठवां। और फिर आठवां देखिए, आठवां लिखा है, आठवां प्रश्न है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, मैं इसका कहना है सवैया छंद की परिभाषा लिखिए उसका उदाहरण भी लिखिए। और आठवां में दिया है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, मतलब भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी लिखना है, इसको अच्छे दे सकते हैं आप, यहाँ पर दो नंबर रहेगा। और प्रश्न नंबर नौवां, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक में प्रयोग कर लिखिए, है ना। पहला है अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरा का अर्थ बताइएगा आप। और दूसरा है खाक छन्ना, ये हो गया पहला दूसरा, और उसका प्रश्न क्रमांक नौवां का आत्मा भी दिया गया, आपको देख सकते हैं अच्छे से। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए, मतलब इसको शुद्ध करना है। शौक है कि तुम घायल हो गए हो, शौक है कि तुम घायल हो गए हो, पहला है। दूसरा है घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है, घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है, दूसरा हो गया मतलब प्रश्न क्रमांक नौवां का, अथवा चाहे आप मुहावरा वाला बता दीजिए या आप शुद्ध कर दीजिए वाक को। प्रश्न क्रमांक नौवां है कहानी व उपन्यास में कोई द्वंद्व लिखे, मतलब कहने का मतलब है कहानी व उपन्यास में कोई द्वंद्व बताए, ये आपका रहेगा दो नंबर का। और अगर आप ये नहीं बन पाते आपको ये नीचे अच्छा बनता लिख सकते हैं, नाटक व एकांकी में द्वंद्व, मतलब चाहे आप कहानी में अंतर बताइए, चाहे कहानी व उपन्यास में अंतर बताइए, या नाटक व एकांकी में बताइए अंतर। प्रश्न क्रमांक ग्यारहवां है
संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं चार संचारी भाव के नाम लिखिए। ये हो गया पहला, मतलब ग्यारहवा। ग्यारहवा कदमा है व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। मतलब पहला है, ग्यारहवा है, संचारी भाव किसे कहते हैं? किन संचारी भाव के नाम लिखे, पहला हो गया। उसका अथवा है व्यंजना शब्द की परिभाषा उदाहरण लिखे, मतलब परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। और हम आगे 12वां नंबर, 12वां नंबर पर क्रमांक 12वां, जो जब कहानी के आधार पर बताए बताए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। इसका मतलब है कहानी इस झूठ कहानी के आधार पर आप बताइए कि लेखक की माँ का कहना, माँ ने पाठशाला जाने की क्या सहायता की। ये हो गया 12वां। और 12वां का अथवा ये है, मुनाजो दड़ों के घर की दो विशेषता बताइए। मतलब मुँह अनाजों दड़ों के घर की दो विशेषता बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 13, ये तो क्रमांक फीचर लेखन से क्या आता है, फीचर लेखन से क्या आता है। ये होगा 13वां का, 13वां का आत्म देखिए अथवा में क्या है, बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। समझ रहे हो ना, 13वां है फीचर लेखन से क्या है, उसका अथवा दिया गया है बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। ये हो गया। और फिर देखिएगा 14, प्रश्न क्रमांक 14 है, भाव पल्लवन कद लिखिए, मुल्क बदल जाए वतन से वतन होता है। इसका है भाव पल्लवन लिखिए, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। समझते इसका भाव पल्लवन करना है आपको। उसी कथवा है देखिएगा, उपसर्ग उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखना है और दोनों का एक एक उदाहरण देना है। समझ रहे हो ना, दोनों को आपको एक एक उदाहरण देना है। ये हो 14 का। ये आपका फिर आता है 15वां नंबर, प्रश्न क्रमांक 15, छायावादी छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ लिखते हुए, दो छायावादियों के नाम लिखे, छायावादी कवि के नाम लिखना आपको। इसको देखिएगा, छायावादी की दो प्रवृत्तियाँ लिखते हुए, दो छायावादी कवि के नाम लिखना, प्रवृत्तियाँ लिखना है और दो कवियों के नाम लिखना है जो छायावादी होते हैं। तो फिर उसका अथवा है प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियाँ लिखते हुए, दो प्रगतिवाद के नाम लिखना, मतलब दोनों सेम है। आपको छायावादी और प्रगति में आपको स्टडी किया होगा, फिर बन सकता है। प्रगति प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रगति व छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ लिखते हुए उस छायावादी के नाम लिखे, कवि के नाम लिखे। उसका अथवा भी है प्रगतिवाद, दो प्रवृत्तियाँ लिखना है और फिर प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना। प्रश्न क्रमांक 16 है, पणिसन्नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद त्रिवेदी के निम्न बंदियों के आधार पर साहित्यगत विशेषताएं लिखी है। ये आपको 3 नंबर का रहेगा, इनमें कोई अथवा नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। पाणिसनाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद के दो बिंदुओं के आधार पर साहित्य विशेषता लिखी है। मतलब आपको जो है पाणिसनाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद त्रिवेदी के निम्न दो बिंदुओं के आधार पर, दो बिंदुओं आधार पर लिखा गया रचना कोई दो और भाषा शैली। आपको रचना लिखना है, रचना और भाषा शैली, भाषा शैली। प्रेस क्रमांक हम चलते हैं 17 में, चलते हैं 17 में, कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की कवि कवगत विशेषता लिखी। तो आपको कुंवर, एक मिनट होगा, कुंवर नारायण या अथवा रघुवीर, मतलब आप चाहे कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय की कवगत विशेषता लिखना है। इसमें रचना आपको दो लिखना है और भाव पक्ष और कला पक्ष भी लिखना है। मतलब चाहे आप किसी एक ले सकते हो, चाहे रघुवीर हो चाहे कुंवर नारायण, उसका दो रचना लिखना है और भाव पक्ष और कला पक्ष भी लिखना पड़ेगा। ये होगा 3 नंबर का आपको हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 18 में आते हैं, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। मतलब कहने का मतलब एक आधुनिक भारत पर एक शीर्षक लिखना, शीर्षक अनुच्छेद लिखना है। उसका अथवा है जनसंख्या समस्या, जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संबंध लिखिए। समझ में इसको, मतलब जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर, इस टाइटल पर आपको डॉक्टर तथा नागरिक का संबंध लिखना है। मतलब डॉक्टर या डॉक्टर और नागरिक का क्या बातचीत होता है, क्या सोच होती है, उसको लिखना पड़ेगा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अपठित काव्यांश के प्रश्नों को उत्तर लिखिए। मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से, उसको आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो अनपढ़ जिसमें कोई आकृति नहीं होती ऐसे पत्र, आपको इसको आपको अपठित गद्यांश व अपठित काव्यांशों के प्रश्न उत्तर आपको लिखा था तो बन जाएगा, जिसमें आपको उत्तर दिया गया है। इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, निप्रपन पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, व्यक्तिगत में विशेषता का अनुपूत समझी जाती है। हो गया, इसका पद्यांश है अथवा दिया गया है 19, प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा दिया है, इसको जब पढ़ के आप पद्यांश को बता सकते हो। ये पद्यांश है, उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है, कवि किसको अजमाने की बात करता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, वो अपनी जाएगी इसमें से, मतलब इसमें को उत्तर प्रश्न मिल जाता है, कोई दिक्कत इसमें। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, उसको पढ़ना है। ये हो गया, उसका अथवा भी है, मतलब आपको अर्थ परिभाषा और लिखना पड़ता है ना आपको।
फिर ये अथवा देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 21, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। मतलब निम्न दोनों में से एक को गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखा, समझ रहे हो ना? आप लिखे उनको पता होगा। प्रश्न क्रमांक आता है 22। प्रश्न क्रमांक 22, उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र, आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहे हैं आपको। उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना, या उसको आप दूसरे लिख सकते हो, मतलब का पत्र से बोलते हैं। अपने मित्र को हाई सेकेंडरी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हेतु पत्र, अपने मित्र को आप पत्र लिख सकते हो कि वो आपका मित्र जो ये ट्वेल्थ क्लास में प्रथम श्रेणी में पास, उसका पत्र लिखना है आपको। दोनों में से एक मैंने लिख सकता, पत्र आवेदन पत्र। और फिर नीचे आता है प्रश्न क्रमांक 23, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों निबंध लिखे। हमारे जमाने में 250 शब्द आता था, 250 आपके जमाने में 120 आ रहा है, अच्छी बात है ना। तो आपको लिखना है कोरोना, पहला नंबर कोरोना लक्षण उपचार, इस पर आपको निबंध लिखना है, ये हो गया। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें निबंध लिख सकते हो। जीवन में कंप्यूटर की में आवश्यकता, इसको लिख सकते हो। चौथा है उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्र, इसमें लिख सकते हो निबंध, लिख सकते हो। बालिका शिक्षा का महत्व, इसको लिख सकते हो। मतलब आपको आपसे जो आपसे निबंध बन जाए उसको आप लिख सकते हो, चार ए पाँचों में से एक, 120 शब्दों में लिखना है, ये चार अंक रहेगा, समझ रहे ना। ये आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ लेना। PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, खालिस्तान से जुड़ी सब चीज़ें इसमें। और हम आगे ऐसे ही 12th क्लास के, मतलब बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, हिंदी तो इंग्लिश हो गया, और फिर क्या बोलते हैं आठ वालों का, अभी तो साइंस वाला चल रहा है, फिर आठ वालों चलेगा, क्या बोलते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र इतिहास के बारे में भी ला रहे हैं हम। बायो अभी आएगा आगे, आगे हम बायो विषय में लाएंगे, आगे हम बायो का मॉडल पेपर और केमिस्ट्री का लाने वाले हैं मॉडल पेपर। आपको अगर पसंद लगे हमारे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।